हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर प्लस टू फिजिक्स क्लास और आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में। और टॉपिक हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास में छोड़ा था, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, डीसी सेल। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो जो डीसी सेल है इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ये टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो देखिए, इसके पहले आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। दो तरह के सर्किट होते हैं, सर्किट, देयर आर टू टाइप ऑफ सर्किट्स। वन इज ओपन सर्किट एंड अनदर इज क्लोज्ड सर्किट। ठीक है ना, इनमें क्या डिफरेंस है? सपोज दैट कोई सेल है और इससे कोई हम लोग रेजिस्टेंस इससे अटैच है। क्लियर ना, यहाँ पर की है। अब मान लो यहाँ से करंट ड्रॉ हो रही है आपकी आई, कोई एक सेल है जिससे एक रेजिस्टेंस में करंट ड्रॉ हो रही है। तो ऐसा सर्किट जिससे करंट ड्रॉ हो रही है, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट। ये कैसा सर्किट है? क्लोज्ड। और दूसरी ओर यदि कोई सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही है, सिंपल इससे कोई भी यदि करंट ड्रॉ नहीं हो रही है किसी भी रेजिस्टेंस में, ये अटैच किसी से नहीं है, तो इट विल कंसीडर्ड एज ओपन सर्किट। ठीक है ना, तो यदि किसी सेल से करंट ड्रॉ हो रही है तो वो कहलाता है क्लोज सर्किट, और यदि करंट ड्रॉ नहीं हो रही है दैट इज ओपन सर्किट। क्लियर? तो फिर आप देखिए, ये ईएमएफ क्या होता है सेल का, ये सभी टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले ईएमएफ, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, शॉर्ट बोलते हैं इसको, सेल का ईएमएफ। जैसे कोई सेल है, ये प्लस ये माइनस, और ये सेल किसी भी सर्किट से जुड़ा नहीं है, किसी सर्किट का ये पार्ट नहीं है, तो इस समय ये जो इसके इलेक्ट्रोड्स हैं, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो दोनों के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस? ईएमएफ का मतलब क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इज नोन एज ईएमएफ, इज नोन एज ईएमएफ ऑफ अ सेल। क्लियर? और इसको हम लोग ईएमएफ को डिनोट करते हैं ई से, ऐसे इसका सिंबल होता है ई। दूसरी, वहीं दूसरी ओर ये क्या होता है आपका टर्मिनल वोल्टेज, तीनों टर्म्स क्लियर होने चाहिए आपको। ईएमएफ इसका सिंबल होता है देखिए ई, टर्मिनल वोल्टेज इसका सिंबल होता है वी। ठीक है ना, तो ये कैसा सर्किट है आपका? ओपन सर्किट। क्लियर? अब मान लो कोई सेल है आपका और यदि ये किसी रेजिस्टेंस से अटैच है, ऐसे, ठीक है ना, इसका ईएमएफ कितना है? ई। और जब इसको अपन ने अटैच कर दिया किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर करंट फ्लो होगी। मान लो करंट फ्लो हो रही है आई,
उस केस में देखिए क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पर, एक्चुअल में ये केमिकल प्रोसेस से यहाँ पर आपकी एनर्जी डेवलप होती है। तो जब जब सेल से करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा? रेजिस्टेंस। किसी क्लोज्ड सर्किट में यदि करंट फ्लो हो रही है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स में, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा। उसी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसको डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल आर से, इस तरह से। और जनरली इसको अटैच करते हैं हम लोग इसी के साथ, ऐसे रेजिस्टेंस डेवलप होगा अंदर सेल के। लेकिन नोटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको या तो इस साइड आप लगा लीजिए और या फिर इस साइड, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कैसा सर्किट है आपका, ये सर्किट क्या है, जब इसमें करंट फ्लो रही है तो ऐसा सर्किट क्या कहलाएगा, क्लोज्ड सर्किट, ठीक है ना। और इस समय जो इसके इलेक्ट्रोड्स हैं ए और बी, ये तो अंदर है इसके, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहलाएगा सेल का टर्मिनल वोल्टेज। इसका सिंबल क्या होता है, वी। टर्मिनल वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट, ठीक है ना। और इसको डिनोट करते हैं किससे, वी से, दैट इज वी ए माइनस वी बी। जबकि आप, ये तो हो गया क्या आपका टर्मिनल वोल्टेज, और वहीं आपका यदि यदि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है यदि, तो उस समय तो क्या होगा, कोई भी करंट यहां से फ्लो नहीं होगी। तो इस समय इसके इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है आपका, ईएमएफ। तो दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, क्लियर। अब देखिए इसमें एक रिलेशन होता है इंपॉर्टेंट, इन जनरल वी इक्वल टू होता है ई माइनस आई आर। देखिए कैसे होता है, ये जैसे ये कोई सेल है आपका, इसका ई एम एफ ई, और ई क्या है इसका, ई एम एफ, और आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और मान लो यहां से करंट जा रही है आपकी आई, सपोज दैट। अब हमें ये पॉइंट सपोज दैट ए है और ये पॉइंट बी है, तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, वी इक्वल टू क्या हो गया, बाय डेफिनेशन वी ए माइनस वी बी। अच्छा, प्लस माइनस लिखना सीखा था आप लोगों ने, कैसे लिखेंगे देखो, बैटरी में लिखेंगे ऐसे प्लस माइनस, और रेजिस्टेंस में लिखने का तरीका क्या होता है, हाई पर प्लस। करंट कैसे फ्लो होती है, हाई से लो की ओर, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव और लो पोटेंशियल नेगेटिव। अब यहां से लिखना स्टार्ट करिए आप ए से बी तक, तो कैसे लिखेंगे, वी ए, फिर इसको क्रॉस किया तो क्या आएगा, माइनस ई। लिखने का तरीका याद है ना आपको, यदि हम लोग बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं तो घटे की बड़े, घटे तो माइनस और बड़े तो प्लस, तो यानी कैसे लिखेंगे पोटेंशियल इसका, माइनस में ही।
फिर रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? प्लस का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस पोटेंशियल क्या हो जाएगा? आई आर। और कहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक, इक्वल टू वी बी, सही ना? इसको रीअरेंज करो तो क्या आ जाएगा? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। और वी ए माइनस वी बी क्या है? सेल का टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है ना? और इस रिलेशन से क्लियर है आपका कि V इज ऑलवेज लेस देन E। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? हमेशा EMF से कम होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि ये हमेशा होता है आपका, दिस इज वैलिड फॉर अ डिस्चार्जिंग सर्किट, ठीक है ना? क्योंकि यदि आपका सर्किट चार्ज हो रहा है, मान लो इसमें एक ध्यान रखना ये चीज़, आप मान लो इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है ना? और एक बड़ी बैटरी से हम लोग इसको चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, ये प्लस ये माइनस हो गया। अभी क्या करते हैं हम लोग, मान लो यदि यहाँ पर हमने एक बड़ी बैटरी ले ली, ठीक है ना, और इससे हम लोग इसको चार्ज कर रहे हैं, जैसे आप सेल चार्ज करते हैं घर में ना, तो अब करंट इसमें कैसे जाएगी? प्लस से माइनस ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना। अब यहाँ पर यदि आप, ये कैसा सर्किट है? इस बैटरी के लिए ये आपका चार्जिंग सर्किट कहलाएगा। ये बैटरी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है, तो ये कहलाएगा आपका चार्जिंग सर्किट है ये, या बैटरी आपकी है चार्जिंग मोड में। जब बैटरी पर करंट आती है तो यानी ये कैसी, किस मोड में है? चार्जिंग मोड में है। जबकि यहां पर बैटरी क्या थी? करंट ड्रॉ कर रही थी, यानी इस समय ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो यानी ये कैसे मोड में है? ये आपकी है डिस्चार्जिंग मोड में। तो डिस्चार्जिंग मोड के लिए क्या होगा? V इज ऑलवेज लेस देन E, यानी V इक्वल टू क्या था, निकल गया था अभी अभी, E माइनस आई आर। लेकिन चार्जिंग मोड में देखो उल्टा हो जाएगा आपका, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, प्लस माइनस। अब कैसे लिखोगे? देखो यहां से स्टार्ट करो, वी ए इसको क्रॉस किया, डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस ई, फिर इसको क्रॉस किया फिर डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस आई आर, और कहाँ पहुँचना है? यहाँ पर, दैट इज वी बी। तो इससे क्या आ जाएगा? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई प्लस आई आर, दैट इज वी इक्वल टू ई प्लस आई आर। दोनों में अंतर है देखिए, यानी जब आपका चार्जिंग मोड है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेल V इज ग्रेटर देन E, चार्जिंग मोड के लिए रिलेशन क्या होगा? V इक्वल टू E प्लस आई आर, और जबकि डिस्चार्जिंग के लिए क्या हो जाएगा? V इक्वल टू E माइनस आई आर। डिस्चार्जिंग में V क्या होता है? E से कम होता है। टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन EMF ऑफ अ सेल, और जबकि चार्जिंग में जस्ट अपोजिट हो जाता है, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, दैट इज V इज ग्रेटर देन E। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। अब कई बार क्या होता है, सर्किट में बैटरी एक से ज्यादा हो जाती है, तो हमें ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इसमें केस फर्स्ट है, सेल्स इन सीरीज। क्लियर? जैसे रेजिस्टेंसेस में पढ़ा था आपने, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज में मान लो आपके पास एक बैटरी ये है,
दूसरी बैटरी है आपकी, दो बैटरीज हैं, इसका ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 एंड R2, और ये सीरीज में बैटरीज हैं। और हमें क्या करना है कि यदि हमें इसको रिप्लेस करना है सिंगल बैटरी से, तो हमें कितना उसका ईएमएफ होगा, यानी नेट ईएमएफ क्या होगा इसका, और इसका आर नेट क्या होगा। ये मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ऐसे दो या दो से ज्यादा बैटरीज आपकी सीरीज में हैं, और यदि हम इसको एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करें तो उसका ईएमएफ क्या होगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। ये पॉइंट ले लो आप, सपोज दैट सी। तो इसको, इसके लिए निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। अच्छा, सीरीज में मान लेते हैं, चलो करंट इसमें फ्लो हो रही है आई, क्लियर, सीरीज में करंट सेम फ्लो होगी। तो पहले वाले सेल के लिए देखिए, फॉर सेल वन, इस रिलेशन से इसके लिए लिखिए, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, VA माइनस VC इक्वल टू E1 माइनस आई R1। और सिमिलरली फॉर सेल टू, सेल टू के लिए हो जाएगा VC माइनस VB इक्वल टू E2 माइनस आई R2, ठीक है ना। और यदि हम दोनों बैटरीज को रिप्लेस करें एक सिंगल सेल से, तो इसके लिए लिखिए, तो क्या आ जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू E net माइनस I into R net। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इन्हीं को कंपेयर करके देखेंगे हम लोग, दोनों को इसको ऐड कर दीजिए, इनको यदि हम लोग ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए, तो माइनस वी सी और प्लस वी सी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, VA माइनस VB, इनको ऐड कर रहे हैं हम लोग, दैट इज E1 प्लस E2, इनको ऐड करेंगे तो माइनस आई कॉमन R1 प्लस R2, क्लियर। अब आसानी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं फोर्थ और थर्ड में, कंपेयर करेंगे हम लोग किसमें, कंपेयर करिए, कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो दोनों इक्वेशंस को यदि कंपेयर करें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, और ई नेट के प्लेस में क्या है आपका, E1 प्लस E2, तो ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। सिमिलरली आर नेट के प्लेस पे क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। सिंपल है, दो से ज़्यादा बैटरीज हैं तो उसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब भी किसी सर्किट में हम लोग देखेंगे, मान लो ऐसे आपके पास बैटरीज लगी हुई है ना, मान लो ये 10 ओम है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की है, ये 4 वोल्ट की है, ये सारे क्या हैं, इनके ईएमएफ हैं, बैटरीज के ईएमएफ गिवन है ये, दैट इज ये हो जाएगा आपका E1, E2, E3। मान लो इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं 1 ओम 2 ओम 1 ओम, क्लियर। तो सर्किट को आप कैसे कर सकते हैं, सर्किट को यदि हमें सिंगल बैटरी से रिप्लेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रिप्लेस करेंगे, नेट ईएमएफ ऐड कर दो 3 प्लस 2 प्लस 4, यानी नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा इसका, 9 वोल्ट, और आर नेट हो जाएगा
1 plus 2 plus 1, that is 4 ohm. Clear? और इसके बाद हम लोग आसानी से सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, यदि बैटरीज की थोड़ा सा पोलैरिटी के बारे में ध्यान रखना. मान लो एक बैटरी है और एक बैटरी है, मान लो ये 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, 1 ओम लेते हैं. तो सिंपली यदि इसको हमें रिप्लेस करना है सिंगल सेल से, तो नेट ईएमएफ हो जाएगा 10 + 5 = 15 और रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 + 1 = 2 ओम, है ना. और अभी क्या है, इनकी पोलैरिटी देखो, प्लस माइनस एक ही सीरियल में है ये. लेकिन मान लो ऐसे ना होकर के ऐसे बैटरी हो, ऐसे अभी क्या है, प्लस माइनस 1 ओम 1 ओम. अभी दोनों यहां पर बैटरीज की पोलैरिटी कैसी थी, प्लस माइनस एक ही सीरियल में थी. अब उल्टा हो गया, देखो पहले मान लो यहां प्लस माइनस है और फिर क्या है, माइनस प्लस. तो अब इनको हम लोग प्लस नहीं करेंगे. यदि इनको सिंगल सेल से रिप्लेस करना है तो अब प्लस की बजाय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. यहां पर क्या किया था हम लोगों ने, 10 + 5 = 15 वोल्ट, जबकि यहां पर कितना हो जाएगा, 10 - 5, कितना हो जाएगा, 10 - 5. लेकिन बैटरी कौन सी बनाए, ये वाली की ये वाली, जो बड़ी बैटरी है वो डोमिनेट करेगी. इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे सिंगल सेल से, तो डोमिनेट पोलैरिटी कौन सी आएगी, ये जो प्लस माइनस आएगा वो किसका आएगा, जो डोमिनेट कर रही है बैटरी, यानी ज्यादा पोटेंशियल की. तो यहां पर इसका जो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, 10 - 5, यानी 5 वोल्ट. और रेजिस्टेंसेस तो सीरीज में अभी भी है, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 + 1, यानी 2 ओम. क्लियर? तो ये पूरी कहानी थी आपकी सेल्स इन सीरीज. ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, सिंपल सा, इसका आंसर कल देखेंगे. मान लो ये 10 ओम है, 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम. तो इसमें करंट निकालना कितनी आ रही है ना, फिर कल इसका आंसर पाना. तो इस तरह से हम लोग, ये हमारा क्या था, 2 or more cells in series. इसके बाद हम लोग देखेंगे केस सेकंड. सेल्स इन पैरेलल. अब पैरेलल पे देखिए कैसे करेंगे. मान लो 2 के एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग. इसका ईएमएफ E1, रेजिस्टेंस R1, और इसका E2, रेजिस्टेंस R2. इससे मान लो करंट आ रही है I1 और इससे आ रही है I2, ऐसे. अब इसमें भी हम लोग को, यदि ये सेल्स आपके लगे हैं पैरेलल में और इनके लिए हमें इनको रिप्लेस करना है हम लोगों को सिंगल सेल से, ऐसे. तो उसका नेट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका कितना होगा, ये फाइंड करना है, ठीक है ना. तो अब पैरेलल में क्या होगा, दोनों पैरेलल में है तो दोनों का क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज दोनों का सेम हो जाएगा.
तो फिर से लगाइए v इक्वल टू, यूज कौन सा फॉर्मूला करेंगे, v इक्वल टू e माइनस आई आर। तो पहले इसके लिए यूज करेंगे तो क्या आएगा, देखो va माइनस vb इक्वल टू e1 माइनस आई वन आर वन, और सेकंड वाले के लिए लिखेंगे तो अगेन va माइनस vb इक्वल टू e2 माइनस आई टू आर टू, ठीक है ना। अब इसमें क्या करिए, आप यहां से सॉल्व करके निकाल लो i1, शिफ्टिंग करके सॉल्व करो तो i1 कितना आ जाएगा, देखो ये इधर आएगा तो कितना आएगा, देखो e1 अपॉन r1 माइनस va माइनस vb बाई r1, इसको इधर लाएंगे और ये उधर जाएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे तो i2 कितना आ जाएगा, e2 बाई r2 माइनस va माइनस vb अपॉन r2, क्लियर। ये मान लो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब यदि हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं सिंगल सेल थे तो अभी भी इससे करंट क्या जाएगी, i1 प्लस i2। तो जब इसके लिए आप अप्लाई करोगे v इक्वल टू e माइनस आई आर, तो इससे कितना आएगा, va माइनस vb इक्वल टू e नेट माइनस i1 प्लस i2 इंटू आर नेट। अब यहां भी आप इसको सॉल्व करेंगे और यहां से निकाल लेंगे i1 प्लस i2, तो i1 प्लस i2 इक्वल टू e नेट अपॉन आर नेट माइनस va माइनस vb अपॉन आर नेट, ठीक है ना। अब यदि हमें तीनों इक्वेशन में कंपेयर करना है तो हमें i1 प्लस i2 वहां पर आ रहा है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड करो, यहां पर ऐड करोगे ये दोनों इक्वेशंस ऐड करो, कितना आएगा, देखो i1 प्लस i2 यहां पर क्या आएगा, e1 अपॉन r1 प्लस e2 बाई r2, और इनको ऐड करोगे तो ये कॉमन आ जाएगा माइनस va माइनस vb, और अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। ये अपनी सेकंड इक्वेशन थी और ये क्या आ गई, थर्ड आ गई। अब हम लोग इजीली दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर करिए, कंपेयर करिए सेकंड और थर्ड में। तो देखो एलएचएस तो सेम आ रहा है, नो प्रॉब्लम। यहां पर क्या आ रहा है, ई नेट बाई आर नेट, और इसके प्लेस में कितना आ जाएगा, ई नेट अपॉन आर नेट इक्वल टू e1 वन अपॉन आर वन प्लस ई टू बाई आर टू। और ये वाला टर्म देखिए, यहां से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आर नेट इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। आर वन आर टू वैसे भी देखो पैरेलल में है तो ये तो आपको टेंथ वाला आता है, यदि पैरेलल में है तो यही तो होता है फॉर्मूला इसका। इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, देखो ई नेट कितना आ रहा है, यहां से ये ऊपर जाएगा तो ई नेट इक्वल टू आर नेट ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू।
और चाहो तो इसको वैसे ले सकते हो, जाएगा अपॉन में तो यू कैन राइट इट 1/r₀। और 1/r₀ की वैल्यू क्या है, 1/r₁ प्लस 1/r₂। तो ऐसे हो जाएगा ये 1/r₀ के प्लेस में क्या लिख देंगे, 1/r₁ प्लस 1/r₂। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ नेट ईएमएफ इन पैरेलल, और ये हो जाएगा उसका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, सही ना। एक एग्जांपल बताएं तब आपको क्लियर होगा। मान लो बैटरीज दी गई हैं, एक बैटरी 5 वोल्ट की है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और दूसरी 2 वोल्ट की है और इसका रेजिस्टेंस भी 1 ओम है, ऐसे। और यदि आपको ये किसी सर्किट का पार्ट है और यदि हमें इसको रिप्लेस करना है एक सिंगल बैटरी से, तो फार्मूला बताया गया आपको, देखो ये वाला क्या फार्मूला बताया गया, ई नेट इज्क्वल टू E₁/r₁ प्लस E₂/r₂ अपॉन 1/r₁ प्लस 1/r₂। क्लियर, वैल्यूज पुट अप करिए, E₁/r₁ E₂/r₂ दैट इज 5/1 प्लस 2/1 अपॉन 1/1 प्लस 1/1, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये 7/2। और नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, नेट रेजिस्टेंस के लिए 1/r₀ इक्वल टू 1/r₁ प्लस 1/r₂ दैट इज 2। ये क्या है 1/r₀, तो r₀ कितना आ जाएगा 1/2 ओम। यानी यदि आपको ये दो बैटरीज दी गई हैं पैरेलल में और इसको सिंगल बैटरी से रिप्लेस करना है इस सिस्टम को, तो आप कैसे करोगे, उसके प्लेस में बैटरी कितनी लोगे, उसका नेट ईएमएफ हो जाएगा 7/2 वोल्ट और उसका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.5 ओम। यहाँ पर पोलैरिटी ये प्लस माइनस था, ये भी प्लस माइनस, तो जो यानी दोनों बैटरी की जो पोलैरिटी होगी वही पोलैरिटी होगी आपकी जो आपने रिप्लेस बैटरी की है, क्लियर। हाँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ सकती है आपको, मान लो यहाँ पर तो बैटरी ऐसे है, ये 5 वोल्ट की, ये प्लस ये माइनस है, और जबकि दूसरी बैटरी की पोलैरिटी ऐसे है, ऐसे माइनस प्लस, ये 1 ओम ये 1 ओम ये 2 वोल्ट है ना, तो थोड़ा सा फॉर्मूला आपका मॉडिफाई होगा। यहाँ पर इसका निकालो E₁/r₁, E₁/r₁ इसके लिए ये कितना आएगा 5/1 इक्वल टू 5, और इसका निकालो E/r, ये आएगा 2/1 यानी 2। तो जिसका E/r का रेशो ज़्यादा आ रहा है, इसका ज़्यादा आ रहा है और इसका कम आ रहा है, इसका मतलब ये वाली बैटरी डोमिनेट करेगी, ये प्लस में आएगा इसका E/r, और इसका E/r कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे हम लोग। यानी जब आप इसको रिप्लेस करोगे सिंगल सेल से तो उसकी इसकी पोलैरिटी कैसी होगी, जो डोमिनेट कर रहा है उसकी पोलैरिटी की जैसे, समझे। और फॉर्मूले में क्या करोगे,
जो डोमिनेटिंग बैटरी का ई वाई आर है वो प्लस में लेंगे, और दूसरी वाली बैटरी जिसका ई वाई आर का रेशो कम आ रहा है वो लेंगे हम लोग माइनस में, ऐसे समझे। इस प्रॉब्लम के लिए अब ऐसे लेंगे हम लोग, जिसका ई वाई आर ज़्यादा है वो पॉजिटिव, और जिसका ई वाई आर कम है वो लेंगे हम लोग नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा 5/1, इसका माइनस में लेंगे, माइनस 2/1 अपॉन 1, ये वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना, रेजिस्टेंसेज आर स्टिल इन पैरेलल। तो ये कितना आ जाएगा 3/2, यानी यूनिट कितना हो जाएगा 1.5 वोल्ट। तो जब इसके प्लेस में बैटरी आप रिप्लेस करोगे तो इसका जो नेट ईएमएफ लोगे कितना लोगे 1.5 वोल्ट, और इसका आर नेट तो पहले ऐसे कितना हो जाएगा, पहले वाला कितना निकाला था 1/2 ओम ऐसे। तो ये था आपका सीरीज और पैरेलल। एक न्यूमेरिकल ट्राई करना, रिप्लेस दिस सिस्टम बाय अ सिंगल सेल। ये कोई ग्रुप है आपका सेल्स का, मान लो इसका 10 वोल्ट है, 1 ओम है, इसका ईएमएफ 5 वोल्ट है, ये आपका 0.5 ओम है, और इसका मान लेते हैं 10 वोल्ट 1 ओम, ठीक है ना। इसको रिप्लेस करना है, मान लो इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करना है एक सिंगल बैटरी से, तो आपको निकालना है कि वो जो सिंगल बैटरी आएगी इसका वही काम होना चाहिए जो इन सभी का कंबाइंड रूप से था, यानी इसका आपको निकालना है नेट ईएमएफ और आर नेट, क्लियर। तो कैसे करेंगे इसको, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, ये प्लस माइनस और माइनस प्लस है ना, तो ई वाई आर किसका ज़्यादा आएगा, इसका ई वाई आर कितना आएगा 5/0.5 यानी 10 आएगा, ठीक है ना, ज़्यादा ले लो इसको, थोड़ा इसको थोड़ा कर लो 15 कर लेते हैं, ठीक है ना, इसका 10 आएगा और इसका कितना आएगा 15 आएगा, तो डोमिनेट कौन सी करेगी, ये वाली, तो जो डोमिनेट करेगी उसको कैसे लेंगे प्लस में। तो पहले इसको और इसको सॉल्व करो, मान लो ये सेल 1 है, ये सेल 2 है और ये सेल 3 है, तो पहले सेकेंड और थर्ड के लिए, पहले इनको हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड और थर्ड सेल, तो फार्मूला याद कर लेना ये नेट का E1/R1 E2/R2 / 1/R1 + 1/R2, सॉल्व करो इसको कितना आएगा 5/0.5। ये कैसे लेंगे, ये माइनस में लोगे, ऐसे जो डोमिनेट कर रहा है वो कैसे लेंगे प्लस में, तो प्लस 15/1 / 1/0.5 + 1/1, आप सॉल्व कर लो इसको कितना आएगा माइनस 10 + 15
और ये कितना आएगा, 3 आएगा ना, तो 5/3। तो इन दोनों को रिप्लेस करोगे किससे, 5/3 वोल्ट से। और जब दोनों को रिप्लेस करोगे तो जो जो डोमिनेट कर रही बैटरी उसकी पोलैरिटी लेंगे हम लोग। तो पहले वाली तो वैसी थी, देखो ये ए पॉइंट है, ये 10 वोल्ट और ये 1 ओम, और इन दोनों को रिप्लेस करेंगे इस बैटरी से, माइनस, पहले माइनस और फिर प्लस ऐसे। और इसका नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, 5/3 वोल्ट। और नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, तो 1/R नेट इज इक्वल टू 1/1 + 1/0.5। तो कितना हो गया ये, 1+2 यानी 3 हो गया। तो R नेट कितना हो जाएगा, 1/3 ऐसे। इसका R नेट कितना हो जाएगा, 1/3 हो। अब ये 3 की बजाय कितनी बची, 2 बैटरी बची, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों आपकी सीरीज में है और ये डोमिनेट कर रही है इन दोनों में, तो यानी जब दोनों को रिप्लेस करेंगे सिंगल से तो ये वाली बनाएंगे हम लोग ऐसे, पोलैरिटी इसकी बनेगी। और यदि आप दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, इसका जो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, E1 - E2, दैट इज 10 - 5/3। डी यानी 25/3 वोल्ट। और आर नेट कितना हो जाएगा इसका, आर नेट हो जाएगा 1+1/3 यानी 4/3 ऐसे करते हैं। तो ये इन तीनों तीनों को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग एक सिंगल सेल से। एक होमवर्क देते हैं, एक कर लेना आप घर में। ये मान लो 10 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 1 ओम 1 ओम, 0.5 ओम 0.5 ओम। इसको रिप्लेस करना है आपको, रिप्लेस दिस सिस्टम बाय अ सिंगल सेल। क्लियर हो गया भाई, बिल्कुल।